नमस्कार दोस्तों, गार्डन एंड हेल्थ जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुकांत और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ। इस वीडियो में मैं नींबू पौधे का केयर का 6 टिप्स देने वाला हूं। जो टिप्स आपका ये नवंबर और दिसंबर महीना में कौन सा काम करना है नींबू पौधे में और कौन सा काम करना नहीं है, दोनों हम इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, पहला जो टिप्स है वो है हमारा जो नींबू का पौधा है, ये देखिए, ये जो नींबू का पौधा, ये महीना में जो भी नींबू का पौधा है कुछ फल आया है, उसके बाद ये जो 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 डालिया है इसमें कुछ डिजीज आया हुआ है, वो जो डालिया है वो काट के फेंकना है। और दूसरा जो बात, हमारा नींबू का जो पौधा है इस टाइम जो है डोरमेंसी पीरियड में है। डोरमेंसी पीरियड यानी कि ये नींबू का पौधा जो है इस टाइम सोता रहता है, तो इसी टाइम पर हमको कुछ कुछ जो काम है वो कर लेना चाहिए। पहला काम है ये जो जो डालिया है, जो डिजीज है जिसपे बीमारी पकड़ा हुआ है, ये डालियों को छाट के निकाल देना है। जैसे ये डालियां छाट के निकाल देंगे तो आगे जो हमारा जो डालियां निकलेंगे वो तो बिल्कुल एकदम सुस्त निकलेंगे। और अभी जो फल बचा हुआ है, जिसमें थोड़ा भी फल है, वो फल को नवंबर महीना का लास्ट तक ये पूरा फल को हार्वेस्ट कर लेना है, क्योंकि अगला एक जनवरी में जब ही इसमें से नया फूल आना चालू हो जाएगा, उसी टाइम हमारा पेड़ में अगर पौधे में फल रहेगा तो इसमें क्या होगा, हमारा जो अगला जो फल है वो अच्छा नहीं होगा। और ज़्यादा फल चाहिए तो पूरा इस टाइम पे ये जो नींबू का जो पौधा है इसको एकदम साफ सुथरा रखना है, यानी कि पूरा जो सूखा हुआ जो डाली है वो निकलना है। उस जैसा ये डाल है फूल हो फल दे दिया है, इसको निकाल देंगे। ऐसा पूरा जो भी डालिया है उसको काट के निकाल देंगे। जैसे इसमें फल आया हुआ है, ये फल भी अभी रखना नहीं है, क्योंकि हमारा अभी जो है टाइमिंग है नवंबर का एंडिंग है, तो ये हमारा ये जो फल है ये हम पूरा नवंबर एंडिंग तक निकाल देंगे। सूखा हुआ जो भी डाली रहेगा वो भी निकाल देना है। देखिए इसमें फल आ गया है, अभी नया नया ये जो है ये बारहमासी है, ये जो फूल आया है, फल आया है, इसको भी निकाल देंगे। ये रखेंगे नहीं, क्योंकि अभी अगर ये फल रख देंगे तो दिसंबर के बाद जब जनवरी में नया फल का फल के लिए जब फूल आएंगे वो फूल इसमें फल में कन्वर्ट नहीं होगा, इसके लिए ये काम नहीं करना है। और इस टाइम पे और एक जो बात जो चीज ना करना है वो है, ये टाइम पे कोई भी खाद देना नहीं है, क्योंकि कोई भी खाद डाल देंगे जैसा कि नाइट्रोजन रिच जो फर्टिलाइजर है बिल्कुल बंद है। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर अगर इस टाइम पे डालेंगे तो अपना क्या होगा, जनवरी में इसमें नया नया जब फूल आने का टाइम होगा उस टाइम पे अगर पत्तियां निकल गया तो हमारा जो है ये नींबू में उतना फूल नहीं आएगा, क्योंकि जनवरी 15 तारीख के बाद नींबू पौधे में फूल आना चालू होता है। और इस टाइम पे अगर हम नींबू का पौधा अगर हरा रहेंगे, यानी कि पूरा नया नया पत्ती आएगा, ब्रांच आएगा, तो हमारा क्या होगा, ये नींबू पौधे में फूल नहीं आएगा। यानी कि एक बात तैयार है, हमारा अगर पौधे को ज़्यादा फल लेना है तो हमारा ये जो महीना है नवंबर और दिसंबर महीना, ये महीना में ये जो काम है ये बिल्कुल नहीं करना है। पहला तो काम है जो खाद डालना है, खाद बिल्कुल नहीं डालना है, और अगर डालना भी है तो वही खाद डालना है जिसमें नाइट्रोजन नहीं है, जैसा कि बर्मी कंपोज। हम यहाँ में ये जो बर्मी कंपोज है, ये बर्मी कंपोज एक से दो मुट्ठी डाल सकता है, लेकिन कोई भी कंपोज डाल सकता है, लेकिन ये कंपोज में जैसा पत्ते जो हमारा गार्डन वेस्ट से जो कंपोज बनता है वो कंपोज इसमें नहीं डालना है, क्योंकि गार्डन वेस्ट से जो कंपोज बनता है वो कंपोज में नाइट्रोजन जो रहता है वो भरपूर मात्रा में रहता है, इसके लिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर कोई भी नहीं डालना है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओके कर दीजिएगा आगे की नया अपडेट पाने के लिए। और दोस्तों, ऐसा नींबू पौधे से ज़्यादा फूल पाने का और भी वीडियो हमारा चैनल में है, आप चाहे तो टाइम निकाल के देख सकते हैं। और कुछ कुछ बीमारी जो है इसमें ये महीना में आता है, जैसे नवंबर दिसंबर महीने में ठंडी के टाइम पे जो है कैंकर डिजीज,
जिसके जिसके लिए हमको क्या करना है, इसमें कुछ फंगीसाइड इस्तेमाल करना है, जैसा आप ब्लाइटॉक्स यूज करता है, हम हमारा जो नींबू का पौधा है इसमें साफ फंगीसाइड यूज करता हूँ महीना में दो बार करके। जो साफ फंगीसाइड है हमारे जो ये पौधा है इसके लिए मैं साफ फंगीसाइड इस्तेमाल कर सकता हूँ और दूसरा भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसा ब्लाइटॉक्स है वो भी फंगीसाइड है, ये महीना में ये जरूर कर लेना है। और ऐसा पेड़ को अच्छा से जो मिक्स करने का बाद इसको अच्छा से स्प्रे करके भिगवा देना है। नींबू का पौधे में किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल सकता है, उसका बनाने का वीडियो आई बटन में दिया हुआ है, चाहे तो टाइम निकल के देख सकते हैं। और इसी टाइम पे आपका नवंबर दिसंबर महीने में डॉर्मेंसी पीरियड में आप नींबू का पौधे का अगर अगर बहुत पुराना हो गया है, रिपोर्टिंग करना है, तो इस टाइम रिपोर्टिंग के लिए एकदम सही समय है। इसके लिए ये जो है पूरा जो थोड़ा सा खोद के यहाँ से आप निकाल के रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी रिपोर्टिंग करके रखा है। अभी इसमें क्या करेंगे, हम जो खाद है वो डालेंगे, एक से दो मुट्ठी, ज्यादा नहीं, और है गोबर का खाद है, इसमें डाल सकता है। थोड़ा सा चारों तरफ से खोद लेंगे, लेकिन ध्यान रखे हमारा जो मेन जो जड़ है इसमें वो जड़ कटना नहीं चाहिए। और इस टाइम पे एक चीज ध्यान रखना है, नींबू का पौधे में पानी बहुत कम डालना है, क्योंकि अगर पानी डालेंगे तो जितना ज्यादा पानी डालेंगे उतना हरा हरा जो पत्तियां है वो निकाल आएंगे, और जिसके वजह से क्या होगा, ये अभी नींबू का पौधा जो है एकदम सूखा हुआ दिखना चाहिए। ये जो मिट्टी है ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, हल्का हल्का पानी डालेंगे, सूखा हुआ रहना चाहिए। अगर सूखा रहेंगे तो ही जाके हमारा दिसंबर से जब खत्म होगा जनवरी में नया नया इसमें फूल आएंगे, और वो ज्यादा फूल आएंगे और वो फूल से फल में कन्वर्ट आएंगे। हल्का सा इसमें हम पानी डाल देंगे, क्योंकि ज्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी खाद डाला है, ये हल्का सा एक बार पानी डालेंगे, और पानी ध्यान से डालना है, क्योंकि हफ्ते में एक से दो बार ही पानी डालना है। जनवरी में फूल ज्यादा चाहिए तो और एक काम जरूर करना है, एक स्प्रे इसमें स्प्रे करना है, जैसा है बूस्टर टू या बम्पर, दोनों में से कोई 1.5 लीटर पानी में आधा ml डाल के अच्छा से पूरा पौधे को भिगा देना है। अगर ये काम कर सकता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, जनवरी में जो फूल आएगा, ज्यादा से ज्यादा फूल आएगा, वो फूल से फल में कन्वर्ट होगा। ये स्प्रे पहला यूज करना है नवंबर में, दूसरा बार जनवरी में फूल आने का पहले, और तीसरा बार जब फूल से फल में कन्वर्ट होगा यानी कि मटर दाने का जैसा, उसी टाइम लास्ट इस्तेमाल करना है। जो लोग सितंबर अक्टूबर में पौधे में खाद नहीं डाला, उन लोग के लिए एक रिक्वायरमेंट है, जैसा एक चम्मच जो बोन डस्ट है वो, यानी कि पशुओं का जो हड्डी का चूरण है वो, और एक चम्मच जो है सुपर फॉस्फेट, दोनों अच्छा से खोद के उसके बाद इसमें डाल देंगे तो अगला जब हमारा जो खाद का कमी है वो पूरा हो जाएगा। इसके लिए ये दो काम अगर ये महीना में या नवंबर या दिसंबर दोनों महीना में कर लेना है, कर लेने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जनवरी 15 के बाद जब फूल आना चालू हो जाएगा, देखिएगा एकदम पौधे में पूरा भरपूर फूल आएंगे। और जो एक काम है बिल्कुल नहीं करना, वो है इस टाइम पे कोई भी ग्रोथ रेगुलेटर अपना ये जो नींबू का पौधे है इसमें डालना नहीं, जैसा है मिराकुलन और भी कोई भी ग्रोथ रेगुलेटर है जो पौधे को ग्रोथ करता है, वो इस टाइम में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पौधे का में अगर ज्यादा ग्रोथ होगा तो उसमें क्या होगा, नया नया पत्तियां निकल आएंगे, नया नया ब्रांच निकल के आएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा आपको फूल नहीं आएंगे, वो पत्तियां ज्यादा डेवलपमेंट होगा, फूल में कन्वर्ट नहीं होगा और फूल आएगा ही नहीं। इसके लिए कभी भी इस टाइम पे ग्रोथ रेगुलेटर नहीं डालना है, और ये ग्रोथ रेगुलेटर तभी डालना है जब इसमें हमारा फल आ जाएगा, फल जब थोड़ा मार्बल साइज का हो जाएगा उसी टाइम आप इस ग्रोथ रेगुलेटर डाल सकते हैं, क्योंकि उसी टाइम फल हमारा जो है फूल से फल कन्वर्ट हो जाएगा, वो टाइम पे आप डाल सकते हैं। फिर से और एक बार बोल देता हूँ,
जो चीज नहीं करना है वो है नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर एकदम बिल्कुल डालना नहीं है और कोई भी ग्रोथ रेगुलेटर इसमें डालना नहीं है। और एक चीज जो है नींबू पौधे में इस टाइम पानी एकदम जरूरत से ज्यादा देना ही नहीं है, क्योंकि पानी अगर हम ज्यादा डाल देंगे तो इसमें क्या होगा, ये जो हमारा नींबू का पौधा है हरा भरा हो जाएगा लेकिन उसमें फूल नहीं आएंगे। तो अपने को अगर ज्यादा फूल चाहिए तो नींबू पौधे में एकदम नींबू का जो मट्टी है नीचे का जो एकदम सूखा रखना है, यानी कि जब थोड़ा जरूरत पड़े तो हफ्ते में एक से दो बार ही पानी डाले, उससे ज्यादा नहीं, वो भी थोड़ा कम पानी डाले। तो दोस्तों आज यहाँ तक, फिर मिलेंगे नया कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वीडियो लेके। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, हेल्थ रहिए और बहुत सारा पेड़ पौधा लगाइए। धन्यवाद।